हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत सा पैंट या प्लाजो की मोरी का डिज़ाइन बनाएंगे, जो काफ़ी इजी तरीके से बनाएंगे। ये बहुत आसानी से बन जाता है, जिसके लिए मैंने ये चौड़ी इस तरह से, ये कॉटन लेस आती है, इस तरह से मैंने कॉटन लेस ली है और सेम मिलता जुलता मैंने फैब्रिक लिया है। तो मेरे प्लाजो में ऑफ वाइट कलर कंट्रास्ट है, तो इसलिए मैंने ये ऑफ वाइट कलर का लेस और फैब्रिक लिया है। आप अपनी पेंट के या कलर के अकॉर्डिंग आप कंट्रास्ट ले सकते हैं। तो जिसके लिए मैंने ऑलरेडी ये प्लाजो की कटिंग करके रखी है। तो चलिए मोरी का डिज़ाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोरी का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले नीचे की साइड से 2 इंच ऊपर ऐसे मार्क कर लिया है। इस तरह से दोनों साइड हम मार्क कर लेंगे 2 इंच के ऊपर, ताकि हम जो लाइन बनाएंगे इसको हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी है। तो ऐसे हम स्केल की सहायता से हम इसे सीधा निशान लगाएंगे। अब सेम हम निशान ऊपर की साइड भी ऐसे ही 2 इंच ऊपर रख के निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारे ऐसे 2 निशान बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 निशान बन गए हैं। अब नीचे की साइड हम चौड़ी वाली लेस लगाएंगे। अब इस निशान के ऊपर जो हमने कंट्रास्ट वाला फैब्रिक लिया था, यानी कि जो ऑफ वाइट का मैंने फैब्रिक लिया था, इसके लिए हमने इस तरह से पट्टियाँ स्क्वायर कलर स्क्वायर पट्टियाँ कट करी हैं, जिसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने 2 इंच रखी है। अब इसको करना क्या है, इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है और इस तरह से एक ट्राइंगल शेप बनाएंगे। और इस शेप को हमें इस निशान के ऊपर इस तरह से हमें रख के इसको स्टिच करना है। इसलिए ये मैंने निशान बनाया था, ताकि मैं सीधे बिल्कुल स्ट्रेट इसको स्टिच कर पाऊँ। अब ऐसे ही फोल्ड करेंगे और इस निशान के ऊपर हम इस तरह से रखते जाएंगे और सारी ही तिकोनी पट्टियों को लाइन से इसको स्टिच कर लेंगे। कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी ही ट्रायंगल पट्टियों को हम उस लाइन पे अटैच कर लेंगे। अब ये देखिए नीचे की जो पट्टी है पूरी हमने अटैच कर ली है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक जो बाहर की साइड निकल रहा है इसको कट कर लेंगे। अब इसके बाद हमें फोल्ड करना है और जो हमारा जो पहले जो स्टिचिंग जो कर रखी है, इसकी जो ऊपर की जो निशान आएगा इस स्टिचिंग का, सेम हमें उसके ऊपर ही स्टिचिंग कर देना है। यहाँ पे हमारी शायद एक पैर की गैप का मार्क आएगा, यानी कि एक पैर की दूरी पे हमारे स्टिच करना होगा। तो इस तरह से जो ये पट्टियाँ हैं अंदर की साइड चली जाएंगी और ऐसे ऊपर की साइड ये पट्टियाँ निकल जाएंगी। अब इसके ऊपर हमें इसकी टॉप की स्टिच करके इसको बंद कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए कैसे स्टिच करना है। यहाँ पे जो दोनों नीचे की दोनों पट्टियाँ हैं, इसके सेंटर में हमें ऊपर वाली पट्टी का नोक ऐसे नोक आना चाहिए इस तरह से। तो वैसे ही जैसे हमने नीचे की पट्टियों को अटैच किया था, सेम हमें वैसे ही ऊपर की पट्टियों को अटैच करना है। बस इतना फ़र्क है कि जो ऊपर वाली जो पट्टियाँ हैं हमें सेंटर में उसका नीचे के दोनों पट्टियों के सेंटर में इसको अटैच करना है।
अब यहाँ पे अब नीचे की साइड हमें चौड़ी वाली जो हमारी लेस थी उस लेस को हमें अटैच करना है। अब यहाँ पे इस लेस को हम रखेंगे और आगे वाली पट्टी को फोल्ड करके लेस के ऊपर इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। नीचे की हमने लेस भी इसको अटैच कर ली है। अब इसके बाद हमें अंदर की सिलाई यानी कि मोरी को हमें बंद करना है और फोल्ड करके इसे मोरी को हम बंद कर लेंगे और अंदर की सिलाई लगा के इसे हमें पूरा स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये प्लाज़ो की मोरी का डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत आसानी से बन जाता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।